नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2022 का रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। न्यूज़पेपर की तीन अपडेट बताऊंगा, तीनों ही अपडेट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट कब आएगा। साथियों, 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के रिजल्ट में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। पहला बदलाव तो यह होने वाला है कि इस बार साइंस और कॉमर्स का जो रिजल्ट एक साथ आता था, इस बार अलग अलग परिणाम घोषित होने की संभावनाएं बन चुकी है। सबसे पहले साइंस का रिजल्ट आएगा 12वीं का, और वो रिजल्ट इसी महीने आएगा। बोर्ड का पहला परिणाम मई महीने के अंदर जारी करने की पूरी तैयारी बोर्ड सचिव ने कर ली है, और आपके रिजल्ट की दिनांक ही जारी करना बाकी है। बल्कि ये मैं आपको बता दूं, 10वीं का रिजल्ट भी मई महीने के अंदर जारी हो सकता है। 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट इसी महीने जारी करने की सरकार सोच रही है, लेकिन 12वीं का तो कन्फर्म है कि इसी महीने आएगा। बात करूँ दूसरी अपडेट की, तो साथियों दूसरी अपडेट के अंदर भी आपको बता दूँ, 9वीं और 11वीं क्लास के रिजल्ट से जुड़ी खबर है। दूसरी खबर ये बता रही है कि वार्षिक परीक्षा के अंदर 20% अंक लाना जरूरी हो चुका है, और गाइडलाइन अभी जारी हुई है, कल ही जारी हुई है, और आज ये न्यूज़पेपर के अंदर आ गई है। और न्यूज़पेपर में इस गाइडलाइन के अंदर कहा गया है कि प्रत्येक विषय में पूर्णांक के 36% अंक प्राप्त करना जरूरी है, और पूरी वार्षिक परीक्षा के अंदर 20% अंक लाना जरूरी है। ये बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट जो 2022 की एग्जाम देंगे। बात करूँ तीसरी अपडेट की, साथियों तीसरी अपडेट बोनस अंक से जुड़ी हुई है। हिंदी के पेपर में स्टूडेंट्स को मिलेंगे बोनस के 3 नंबर। आउट ऑफ कोर्स से क्वेश्चन आ गए थे, आपको पूरा मामला बताता हूँ कि जो चैप्टर उन्होंने हटा दिया था, बच्चों को नहीं पढ़ना था, तो उससे नुकसान बच्चों को नहीं होगा, उन्हें बोनस अंक मिलेंगे 3 नंबर, उन सभी के बढ़ने वाले हैं।